जब से ट्रेड विंडो खुली हुई है तब से हमें मात्र 3 ही ट्रेड देखने को मिले हैं और ये ट्रेड विंडो 4 फरवरी को क्लोज होने वाली थी, लेकिन आईपीएल की सभी टीमों ने बीसीसीआई को ट्रेड विंडो की तारीख को आगे बढ़वाने लगाया है। अब ट्रेड विंडो हमें 4 फरवरी की जगह 11 फरवरी को शाम 5 बजे बंद होते हुए दिखेंगी और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम 3 बड़े खिलाड़ियों को ट्रेड करके अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। उन तीनों ही खिलाड़ियों के नाम निकल कर सामने आ चुके हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं 3 खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जो हमें आने वाले कुछ दिनों में किंग्स इलेवन पंजाब में ट्रेड होते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक जरूर देखना। और आप भी चाहते हैं कि किंग्स इलेवन पंजाब जीते आईपीएल 2021 का सीजन, तो हमारे इस वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट से जुड़े हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं पहले बड़े खिलाड़ी की जिसे किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ट्रेड करना चाहती है। वो खिलाड़ी है मोहम्मद नबी। मोहम्मद नबी को ट्रेड करने में इंटरेस्टेड दिख रही है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। मोहम्मद नबी को प्रपोजल दिया है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने और मोहम्मद नबी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को कह रहे हैं मुझे रिलीज कर दो या फिर ट्रेड कर दो। और मोहम्मद नबी को भी किंग्स इलेवन पंजाब का दिया हुआ ऑफर पसंद आ गया है और आने वाले कुछ दिनों में हमें मोहम्मद नबी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में ट्रेड होते हुए दिखेंगे और मोहम्मद नबी के बदले किंग्स इलेवन पंजाब सनराइजर्स हैदराबाद को 3 से 4 करोड़ रुपए इजीली दे सकती है, क्योंकि किंग्स इलेवन पंजाब के पर्स में बहुत पैसे है। अगर एक टीम 4 करोड़ भी देती है तो किंग्स इलेवन पंजाब के पर्स बैलेंस में 50 करोड़ रुपए नीलामी के लिए रहते हैं। तो ये टीम इसलिए मोहम्मद नबी को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। वैसे आपको क्या लगता है, किंग्स इलेवन पंजाब का यह फैसला सही है या नहीं मोहम्मद नबी को ट्रेड करने वाला? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। चलिए बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की जिसे केएक्सआई पे ट्रेड करने में इंटरेस्टेड दिख रही है। वो खिलाड़ी है उमेश यादव। उमेश यादव रिलीज हो चुके हैं आरसीबी की ओर से और आरसीबी अभी भी उमेश यादव को ट्रेड भी कर सकती है और किंग्स इलेवन पंजाब उमेश यादव को ट्रेड करने में इंटरेस्टेड दिख रही है। उमेश यादव एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और किंग्स इलेवन पंजाब को मोहम्मद शमी के साथ चाहिए एक एक्सपीरियंस बॉलर, तो ये टीम उमेश यादव को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम इंडियन कंडीशन को देख रही है क्योंकि आईपीएल 2021 का सीजन इंडिया में होने वाला है, तो इसे उमेश यादव की गेंदबाजी में बहुत फर्क आएगा और किंग्स इलेवन पंजाब को इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है उमेश यादव को अपनी टीम में शामिल करने से। तो किंग्स इलेवन पंजाब आरसीबी से भी मांग कर रही है उमेश यादव को ट्रेड के लिए, तो आने वाले कुछ दिनों में हमें उमेश यादव भी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में ट्रेड होते हुए दिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी की जिसे किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ट्रेड करना चाहती है। वो खिलाड़ी है विजय शंकर। विजय शंकर को ट्रेड के लिए अवेलेबल किया है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने और विजय शंकर को ट्रेड करना चाहती है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम, क्योंकि ना के बराबर ऑलराउंडर्स है किंग्स इलेवन पंजाब के पास। विदेशी ऑलराउंडर थे लेकिन वो भी फ्लॉप रहे, तो उन्होंने उनको रिलीज कर दिया किंग्स इलेवन पंजाब ने। तो ये टीम इंडियन ऑलराउंडर पर भरोसा जताने वाली है इस साल क्योंकि इंडिया में होने वाला है आईपीएल 2021 का सीजन। ये टीम विदेशी ऑलराउंडर भी खरीदेंगी नीलामी में। अभी ये टीम अपने कोर को मजबूत करना चाहती है, इंडियन कोर को, तो ये टीम इंडियन ऑलराउंडर्स को हमें टारगेट करते हुए दिखने वाली है, शिवम दुबे और विजय शंकर जैसे। तो ये टीम विजय शंकर को हमें ट्रेड करते हुए दिखेंगी, तो इन 3 खिलाड़ियों को ट्रेड करना चाहती है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। वैसे आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।